ये है कि आपके लिए 10 ईयर प्रिपेयर हो चुका है। किसका? पर्सनल टैक्स प्लानिंग का। इस 10 ईयर को कब से मिलने लगेगा? बहुत जल्दी, इसी वीक में मिलने लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं नोटिफिकेशन यहीं पे। हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा धाम में। और बहुत बच्चों की क्वेरी और मैं कहूँगा 100% बच्चे परेशान हैं एक सब्जेक्ट को लेके। वो सब्जेक्ट क्या है? पर्सनल टैक्स प्लानिंग। ना तो इसका SOL पे स्टडी मटेरियल है, ना ही मार्केट में बुक अवेलेबल है, ना ही कुछ भी अवेलेबल है। बच्चों के पास 1 महीना बचा है और बच्चे कह रहे हैं, सर हम कैसे तैयार करें पर्सनल टैक्स प्लानिंग का? जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं अदर सब्जेक्ट, वो भी बार बार क्वेरी कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पर्सनल टैक्स प्लानिंग में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो एक गुड न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए, आपको क्या मिलने वाला है? स्टडी मटेरियल। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, इसमें क्या चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक बार आपके हाथ में बुक आ जाए उसके बाद, सर बुक कैसे आएगा, नहीं आएगा, वो सारी जानकारी दूंगा। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी और काफ़ी सारे बच्चों का क्वेरी, और ये आप भी जानते हो कि आपकी भी क्वेरी है जिनके पास PTP यानी पर्सनल टैक्स प्लानिंग है। तो नॉर्मली आप देखोगे तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का 10 ईयर जो है लास्ट टाइम आपके सामने आया होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो में। तो देखोगे इनकम टैक्स का जो 10 ईयर है, तो आप लोगों ने जिसने भी खरीदा होगा शिवदास का, तो इसको मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो प्रिपेयर करने का इन द सेंस इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, तो मेरा इनकम टैक्स में जितने भी एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग मैंने लास्ट ईयर का 10 ईयर बनाया था। लेकिन एग्ज़ाम OBE है, तो आप भी जानते हो कि जब OBE एग्ज़ाम है तो हम 10 ईयर से पढ़ा होगा बच्चों ने, या फिर 10 ईयर से लिखा होगा, दो ही चीज़ हो सकती है ना। मैंने इनके मैनेजमेंट से बात किया, मैनेजमेंट से बात करने के बाद मैंने काफ़ी बोला इनसे कि सर कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं है, बच्चों को देना चाहिए। तो फिर गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए 10 ईयर प्रिपेयर हो चुका है। किसका? पर्सनल टैक्स प्लानिंग का। इस 10 ईयर को कब से मिलने लगेगा? बहुत जल्दी, इसी वीक में मिलने लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं नोटिफिकेशन यहीं पे दे दूंगा आपको जैसे अवेलेबल होगा। अभी अननेसेसरी मैं बोल दूं कि मिल जाएगा, मैं फ़ोन नंबर दे दूं तो आप कॉल करेंगे और वहां पे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अभी बना नहीं तो आप परेशान होंगे। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये देखिए करेक्शन चल रहा है, मेरे पास आ चुका है, मैंने पूरा बना दिया है, करेक्शन चल रहा है। तो आप पढ़ सकते हैं इजीली कि पर्सनल टैक्स प्लानिंग का है। सर इसे पढ़ना कैसे है, नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। तो इसके अंदर जिसने थर्ड सेमेस्टर में इनकम टैक्स पढ़ा था उनके लिए तो कोई मतलब के मान के चलो एक बार रिवाइज करना, और कुछ नहीं है, लगभग सेम है। मैं इसके लिए स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा क्योंकि मैंने पूरा 10 ईयर बनाया है, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन डाले हैं, पेपर भी डाले हैं, जो 2 पेपर पीछे हुए थे उनको भी सॉल्व करके डाला है। तो डेफिनेटली उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और वो बच्चे रिलीफ फील करेंगे कि इसका 10 ईयर बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। किसका? पर्सनल टैक्स प्लानिंग का। कैसे कैसे के? बस मुझे यही आपको बताना था, इसके ऊपर वीडियोस जो है कैसे करना है चैप्टर बहुत जल्दी लेके आऊँगा। इसके अंदर वही सारे चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी कैपिटल गेन, वही सारे चैप्टर है, तो उसके लिए बात करेंगे। तो मेरा पर्पस इसका यही बताना था, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं पर्सनल टैक्स प्लानिंग का, उनके लिए न्यूज़ देना कि आपके लिए 10 ईयर प्रिपेयर हो चुका है, ऑलमोस्ट बस वाइंडिंग अप पे है और थोड़े करेक्शन लगने हैं, उसके बाद आपके घर तक ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे हम इस सब्जेक्ट की तैयारी करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि हमारा पूरा पेपर अच्छे से हो जाए। तो बस यही बताना था, आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको किस किस के पास पर्सनल टैक्स प्लानिंग है,
SOL के अंदर हो चाहे रेगुलर का बच्चा हो, कमेंट में लिखिएगा किस किस को नीडेड है, ताकि सो दैट मैं भी एनालिसिस कर पाऊँ, और मैं आप सभी के कमेंट में फ़ोन नंबर भी मैं डाल दूंगा जैसे ही टेन्योर अवेलेबल होता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होपफुली आपको ये बहुत हेल्प मिले, और आप भी दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है आप लोगों के लिए टेन्योर बनाने में, ताकि आपको स्टडी मटेरियल मिल सके। थैंक यू सो मच।